पाकिस्तान आयरलैंड का पहला T20 मैच और मैच को काफ़ी ज़्यादा आड़े हाथों ले लिया शुएब अख्तर ने और मोहम्मद हफीज़ ने। उनका ये कहना था कि ये जो मैच की क्वालिटी है, जो कैमरे की क्वालिटी दिखाई जा रही है इंटरनेशनल मैच के अंदर, इससे लाख गुना बेहतर जो है वो पाकिस्तान में और इंडिया में जो टेप बॉल और टेनिस बॉल के मैचेस होते हैं उसकी दिखाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे, बहुत ही शानदार बैटिंग करी है। पर यहाँ पे पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर इस टाइम जो है वो फंसा पड़ा हुआ है। अब अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो साइम अयूब ने बनाए 45 रन, मोहम्मद रिजवान रन आउट हो गए, बाबर आजम ने आज 50 मुकम्मल करी है, 57 रन बनाए हैं, फ़खर जमान ने 20 रन बनाए हैं, आज़म खान एक दफ़ा फिर से फेल हो गए, शादाब खान रन आउट हो गए, इफ्तखार अहमद ने 15 बॉलों पर 37 रन बनाए और शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन बनाए। और दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग की अगर बात कर ली जाए तो बॉलिंग इस टाइम जो है शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट नहीं लिया, 3 ओवर करवाए हैं, नसीम शाह ने 2 ओवर में 1 विकेट लिया है, इमाद वसीम ने 1 विकेट लिया 4 ओवर में 28 रन, बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। अब्बास अफरीदी ने 2 ओवर में 16 रन दिए 1 विकेट लिया और शादाब खान जो है वो 4 ओवर में 54 रन देके सबसे हाईएस्ट स्कोरर। और यहाँ पे शुएब अख्तर का कहना था कि जिस तरीके की वीडियो क्वालिटी इस मैच के अंदर दिखाई जा रही है देखना बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है इस मैच को, ये मैच बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, कैमरे अच्छे होते तो कुछ इंटरेस्टिंग बन सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैच जो है ये फंसा पड़ा हुआ है, इस टाइम पे 47 रन चाहिए 32 बॉल के ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा और इस मैच की जो क्वालिटी है वीडियो क्वालिटी उसके बारे में भी आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।